नमस्कार, ममता के किचन में आपका स्वागत है। मैं आज बनाने जा रही हूँ बनाना पैनकेक। बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, खाने में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। आमतौर पर जो पैनकेक बनते हैं उसमें मैदे का इस्तेमाल होता है, तो मैं मैदे के साथ साथ आटे का भी इस्तेमाल करूँगी, जिससे हमारे पैनकेक काफ़ी हेल्दी और टेस्टी बनकर तैयार होंगे। तो सबसे पहले मैं देखती हूँ कि बनाना पैनकेक बनाने के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए। मैंने लिया है एक कटोरी मैदा, आइडिया से देखा जाए तो 100 ग्राम के करीब मैदा है, और एक छोटी कटोरी आटा लिया है जो कि 50 ग्राम के करीब है। एक कप दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। 2 चम्मच पिसी हुई चीनी ली है। बेकिंग पाउडर लिया है आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा। एक चुटकी नमक है। देसी घी लिया है मैंने, और वनीला एसेंस का इस्तेमाल करूँगी। और साथ में लिए हैं मैंने 2 बनाना। और इसी के साथ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ कटे हुए अखरोट और पिस्ते का, और साथ में चॉकलेट सिरप का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं दूध को और केले को मिक्सी में डालकर पीस लेती हूँ अच्छी तरह से। तो सबसे पहले मैंने एक बाउल ले लिया है और इसके अंदर मैं मैदे को डाल दूँगी, आटा भी डाल दूँगी इसके अंदर, पिसी हुई चीनी 2 चम्मच के करीब ये भी डाल दूँगी। बेकिंग पाउडर लिया है मैंने जो आधा चम्मच से थोड़ा ज़्यादा है, ये भी डाल दूँगी, और एक चुटकी नमक भी डाल दूँगी इसके अंदर, और इनको मैं अच्छे से मिला लूँगी। तो सारे सामान को मैंने अच्छी तरह से मिला लिया है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी 2 चम्मच घी। तो अगर आप अंडे खाते हैं तो आप घी की जगह अंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको भी मैं अच्छे से मिला लूँगी, और अब मैं इसके अंदर डालूँगी बनाना, तो जो मैंने दूध के साथ मिला के पीस लिया है, तो थोड़ा थोड़ा डाल के मैं इसका घोल तैयार कर लूँगी। दूध का और केले का जो बैटर डाला था वो मैंने अच्छी तरह से मिला लिया, मगर अभी हमारा जो बैटर है वो गाढ़ा है, तो थोड़ा सा मैं इसमें और डालूँगी। तो आप उतना ही डालेंगे जितना आपको चाहिए। इसका घोल एक ना तो गाढ़ा बनेगा ना ही पतला बनेगा, तो एक नॉर्मल आप घोल बनाकर इसका तैयार करेंगे। घोल जो है हमारा अच्छे तरीके से बनकर तैयार हो गया है, इतना ही गाढ़ा मुझे चाहिए। तो बेकिंग पाउडर डाला है मैंने, इसलिए मैं इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रखूँगी अब। तो बैटर को रेस्ट करते हुए 10 मिनट के करीब हो गया है। अब मैं इसमें 3 से 4 ड्रॉप वनीला एसेंस की डाल दूँगी, इससे भी इसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा हो जाता है। और अब मैं इसको भी अच्छे से मिला लूँगी। पैन को मैंने गर्म कर लिया है, 2 ड्रॉप के करीब मैं इसके ऊपर घी डालूँगी, और इसको मैं अच्छे से फैला लूँगी अब मैं। और अब मैं एक कड़छी के मदद से इसके ऊपर थोड़ा सा बैटर डालूँगी, और इसको फैलाऊँगी नहीं, इसको इसी तरह से पकने दूँगी, ये अपने आप ही शेप ले लेगा। तो 2 मिनट के लिए मैं इसको पकाऊंगी, आस्था गैस में मैं इसको पका रही हूँ। तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर बबल्स आने शुरू हो गए हैं, तो ये नीचे से पकना शुरू हो गया है। तो अब मैं इसको हल्के हाथ से पलट दूँगी, तो ये देखिए इस तरह से पक जाएगा। तो दूसरी तरफ से भी मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए आस्था गैस पर ही पकाऊँगी। तो अब मैं दूसरी साइड से भी इसको चेक कर लेती हूँ कि पका है या नहीं। तो दूसरी साइड से भी पकना शुरू हो गया है, तो अभी मैं इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए अलट पलट करके एक बार और पकाऊंगी। आप देख सकते हैं कि पैनकेक को मैंने अलट पलट करके अच्छी तरह से पका लिया है इसको, तो दोनों तरफ से अच्छी तरह सेक कर तैयार हो गया है। तो एक प्लेट में मैं इसको निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए अच्छी तरह से ये बनकर तैयार हो गया है। तो इसी तरह से मैं दूसरा पैनकेक भी तैयार कर लूँगी। तो पहले मैं इसके ऊपर घी लगा लूँगी हल्का सा। अब मैं इसके ऊपर बैटर को डाल दूँगी। तो पैनकेक को रखे हुए मुझे 2 मिनट के करीब हो गए हैं, तब मैं इसको पलट लूँगी। तब दूसरी तरफ से भी मैं इसको आस्था गैस पे ही सेक कर तैयार करूँगी। तो दूसरी टाइम जो मैंने पैनकेक डाला था इसको भी मैंने पलट पलट करके पका के तैयार कर लिया है। तो 2 मिनट के लिए मैं इसको हल्के हाथ से दबा के इसके किनारे पकाऊंगी। गैस को आप बिल्कुल भी तेज नहीं करेंगे। सॉफ्ट बहुत होते हैं, आप इसको पलटते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो पैनकेक जो है हमारा पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया।
पलट पलट करके मैंने इसको अच्छे से पका लिया है। तो मैं इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ, करके इसके ऊपर सभी पैनकेक को सेट कर लूँगी। बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं, आप ज़रा आराम से इसको रखेंगे। सभी पैनकेक जो मेरे हैं एक ही साइज़ के बने हैं। जब आप पैनकेक बनाने लगे तो एक ही सर्विस स्पून को रखें, जिससे आप सभी पैनकेक को बनाएंगे तो एक ही साइज़ के सभी पैनकेक आपके बनकर तैयार हो जाएंगे। तो अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी चॉकलेट सिरप डाल दूँगी, आप चाहें तो इसके ऊपर शहद भी डाल सकते हैं। इसी के साथ कटे हुए जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। तो हमारे पैनकेक बनकर तैयार हो गए हैं, उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएंगे। पैनकेक जो है मेरे काफ़ी हेल्दी बनकर तैयार हुए हैं। आमतौर पर जो पैनकेक है वो मैदे से बनते हैं, तो मैंने इसमें आटे का इस्तेमाल किया है और बहुत कम घी का इस्तेमाल किया है, इसलिए ये पैनकेक काफ़ी हेल्दी और टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं। इसका बैटर बनाते वक्त मैंने उसके अंदर देसी घी डाला था, तो अगर आप अंडे खाते हैं तो देसी घी को अवॉइड करके उसकी जगह पर आप अंडे भी डाल सकते हैं, तो पैनकेक हमारे उससे भी बहुत टेस्टी बनकर तैयार होंगे। अगर आपको मेरे बनाए पैनकेक पसंद आए हैं तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। फर्स्ट टाइम अगर आप मेरे चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलती हूँ आपको बहुत जल्दी एक नई डिश के साथ। नमस्कार।